ना टैंक जो है ना ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। एक टैंक ये रखा हुआ, एक टैंक वो रखा हुआ, पूरी बॉडी वॉडी लेने यहाँ मिल जाएगी। पूरी मार्केट देखो, हॉर्न वॉर्न सब मिल रहे हैं यहाँ पे। जो बात है, हॉर्न ले लो, बॉडी ले लो, एक्टिवा एक्टिवा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। पुन्ना भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, राइड की तैयारी चल रही है, ताबड़तोड़ राइड कब होने वाली है तो पता चलेगा आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ ये है कि हम दोनों जाने वाले हैं, साथ में हमारा एक भाई है वो भी जाएगा शायद से, वो आएगा अपना जयपुर से, ठीक है। तो फिलहाल जो है राइड ताबड़तोड़ होगी। अभी जो है हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गोकुलपुरी मार्केट। मैं कई सालों बाद जा रहा हूँ, क्योंकि वो मार्केट में आप लोगों को एक तरह से बोलूँ रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट वही है कि अभी थोड़ा सा पुन्ना भाई को काम है, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको दिखा पाऊंगा कि कौन सी मार्केट रहने वाली है और वहाँ पे किस किस चीज़ में आप आकर डील कर सकते हो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी हम दोनों जा रहे हैं कार में, जैसे कि आप देख रहे हो फुल मौसम बना हुआ एकदम गर्मी गर्मी। मतलब ये है कि यार देखो, बाइक पे जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम कार में जा रहे हैं। सामान भी कुछ लेके आना है वहाँ से, तो बाइक पे सामान कौन पकड़ेगा, कौन बैठेगा भाई यहाँ से निकालना, तो इसलिए हम कार लेके जा रहे हैं। तो अभी जो है फिलहाल अभी निकले ही घर से, कालकाजी क्षेत्र में ही अपने, तो फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं गोकुलपुरी। देखो वीडियो, एंजॉय करो, रास्ते एंजॉय करो और थोड़ी बहुत हमारी बकबक एंजॉय कर लेना। वहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या सामान नहीं, वो सब आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो में। हालांकि ये है कि मैं ज़्यादा वहाँ की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब कि देखो तो ना शॉपकीपर से नहीं मिलवाने वाला, ना ही मैं उसको कुछ दिखाने वाला हूँ कि पर्टिकुलर यही शॉप रहने वाली है। बस मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई देखो ऐसी शॉप्स मिलती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि पता क्या है, वीडियो को देखकर मतलब कैमरे के सामने ऑन कैमरा जो होते हैं ना शॉपकीपर, वो थोड़ा सा पोलाइटली बात कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा होता है कि हाँ जी भैया हम डिस्काउंट कर देंगे, हाँ जी भैया हम ये कर देंगे, हम अच्छा वो पेंट करके देंगे, हम अच्छा सामान देंगे। बट जब कस्टमर वहाँ पहुँचता है, जैसे कि देखो मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मुझे बहुत पहले बताया था, जब मैं रिकमेंड करता था तो मुझे बताया कि भैया आपकी वीडियो में कुछ और होते हैं ये बंदे और पीछे कुछ और होते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा किसी एक को मतलब किसी एक पे फोकस ना करूँ और किसी एक पर्टिकुलर को ना दिखाऊँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉप दिखाऊँगा, शॉप्स दिखाऊँगा। और बाकी रही बात पैसे की, तो भाई देखो वहाँ पे बार्गेनिंग करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से बार्गेन कर पाते हो। बाकी वो तो मांगेंगे अपना, भाई देखो उनका काम है मांगने का और आपका काम है देने का पैसे, ठीक है, सामान लेने का। सो अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डील कर रहे हो, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे, रास्ते एंजॉय करो, फिर आगे मिलेंगे, आपको बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे। बाकी हाँ, राइड जो है वो ताबड़तोड़ होने वाली है। काफ़ी लोग मेरे टॉप बॉक्स के लिए, सॉरी साइड पैनियर्स, टॉप बॉक्स तो लग नहीं पाया, उसके अंदर बॉक्स जो लगाया वो स्टड का लगा दिया मैंने प्रीवियस वाला। सो अभी क्या है, जो पैनियर्स लगे हुए हैं, पैनियर बॉक्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में अब पहले से ज़्यादा। तो मैं उसका अभी एक रिव्यू बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बाकी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो देखने के लिए वीडियो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो अभी हम आ चुके हैं आश्रम के मेन वाले जो जंक्शन है वहाँ पे आ चुके हैं। फिलहाल अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ ये वाला जो अंडरपास है, जो सीधा हमें भोगल की तरफ निकाल देगा, यहाँ से महारानी बाग जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से अंडरपास निकाल देगा भोगल के पास। बट हमें जाना है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से हम निकलेंगे टूवर्ड्स अक्षरधाम। अभी सीन ये है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे भीड़ इसलिए क्योंकि जो आगे जो रोड जो है ना वो मतलब फ्लाईओवर वो कनेक्ट हो रहा है, इसके वजह से ना जो है ये दिक्कतें आ रही है। वरना आने वाले टाइम में ना मतलब कुछ एक या दो महीने बाद यहाँ पे काफ़ी जो है स्मूथ मिलने वाला रास्ता। तो बस वही है कि भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको इतना तो पता चल जाएगा कि भाई आश्रम पे नहीं आना, आना है तो भाई जाम का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो है भाई बस यहाँ से राइड होते ही थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो थोड़ा जाम जो है खाली मिलेगा, उसके बाद फिर हमें काले खां वाला जो पॉइंट है वहाँ पे जाम मिलेगा, देन उसके बाद फ्री फ्री फ्री। बाकी एक बात बताऊँ भाई, राजस्थान के रोड जो है ना वो एक नंबर है, मतलब रोड हो तो राजस्थान वाले हो अपन ना भाई, वरना ना हो, क्योंकि रोड एक नंबर थे भाई वाकई में, मतलब खाली खाली है भाई सब, खाली खाली, जहाँ तक नजर जाए वहां तक खाली है मामला। और यहाँ पे छी छी किच पिच किच पिच। तो अब जो है गांधीनगर मार्केट आने वाली है हमारी राइट साइड पे, और यहाँ का एरिया जो है एक तरह से बोले जमुना पार लग चुका है ना पन्ना भाई, जमुना पार लग चुके हैं, जो इस तरफ है ना पूरी जमुना इधर रह गई है, तो हम इस तरफ आ चुके हैं, तो इसका मतलब है जमुना पार स्टार्ट हो चुका है। बाकी गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, RRK मार्ग, रानी गार्डन सब यहीं कहीं पड़ते हैं सब, ठीक है ना। तो ये साइड में आप देख रहे हो मेरे राइट साइड पे पूरी की पूरी गांधीनगर मार्केट है, मतलब कपड़ों में आप डील कर सकते हो, कपड़ों में आप डील कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अरे जैकेट चेंज भाई, ये गाड़ी में रखी थी मैंने पहन ली। तो फिलहाल जो है कपड़ों में डील कर सकते हो यहाँ पे थोक के भाव, आपको जो है होलसेल रेट पे मिल जाएंगे कपड़े, बच्चों के बड़ों के लेडीज जेंट्स सब मिल जाते हैं, और आप अपनी दुकान खोलो सामान वामान लो यहाँ से, है ना भाई। बाकी खुद के लिए लोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक ही कलर के 10-10 पीस देते हैं, उससे कम देते नहीं। फाइनली पहुँच चुके हैं
मायापुरी, ओ सॉरी गोकुलपुरी मार्केट मायापुरी बोल रहा हूँ। अभी ये कार मतलब पुलिस वाले जो भाई साहब होते हैं ट्रैफिक पुलिस, उनकी पूरी टीम ने हमें रोक लिया था। यहाँ पे देखो अलॉयज कितने प्यारे प्यारे हैं यार, ओए अलॉय व्हील काफी प्यारे प्यारे हैं भाई। जो बात है भाई, कहाँ लगाओ कार भाई? वहाँ पे चिकन बिरयानी खाऊंगा पहले तो मैं, मार्केट में दुकान है यही लगा लो, अंदर दबा दो। ऐसे कुछ मार्केट रहने वाले, देखो पूरी भर भर के मार्केट है। सामान बस वो है कि आपको क्या लेना है वो चीज़ है, वो मैटर करता है ठीक है। नहीं ना टैंक जो है ना ये वहाँ ले रहे हैं ठीक है, एक टैंक ये रखा हुआ, एक टैंक वो रखा हुआ। पूरी बॉडी वॉडी लेने यहाँ मिल जाएगी पूरी मार्केट। देखो हॉर्न वॉर्न सब मिल रहे हैं यहाँ पे, जो बात है हॉर्न ले लो, बॉडी ले लो, एक्टिवा एक्टिवा, ऑटो का भी मरकाट रखा हुआ है यहाँ पे, लटका हुआ है हॉर्न, और साइलेंसर पुराने मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला के सामान तो सारा ही मिल जाएगा तुम्हारे को ठीक है। बाकी ये देखना ना देखना आपके ऊपर है, बार्गेनिंग कर लेना ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना इसमें हल्का सा डेंट है, देखो ये दिख रहा है ये, तो ये चीज़ है। बाकी पेंट तो क्रिस्टल क्लियर है, देख सकते हैं आप, आपके सामने ही है। टैंक भी देखो अंदर से साफ है, टैंक भी एकदम साफ है। बाकी भाई लेके आ रहे, दिखाना बनना इसे। तो भाई अभी ऐसा है मैं तो आगे कार में, क्योंकि भाई ऐसा है भाई बहुत ज़्यादा, एक तो रश हो रहा है ऊपर से ना कोई जानने वाला ना मिल जाए, इस वजह से मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ। कि मुझे पता है क्योंकि ना मैं यहाँ की मार्केट प्रमोट नहीं करता, कोई दिख गया जानने वाला है जिसने मुझे पहचान लिया तो फिर वो ये ना पुश करना होता है, लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारे पास हमारी वीडियो बना दो, हमारी वीडियो बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो इस वजह से मैंने कहा यार गाड़ी में बैठा कर कोई फ़ायदा नहीं घूम कर। मैंने इस हमारे पुन्ना को पहले बोल दिया था कि भाई मैं मार्केट में ज़्यादा घूमूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग जानते हैं। क्योंकि इस मार्केट को जो है ना, एक तो भाई टेक्नो खान जो है अपना भाई, एक तो उसने प्रमोट किया था और दूसरा मैं था, जो मतलब जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था मेरे थ्रू काफ़ी लोग मतलब मेरी वीडियो देखकर यहाँ पे आए, उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन वो ये कि यार देखो हर चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैंने कहा हटाओ मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं घूम सकता ऐसे। तो फिलहाल जो है मैंने आपको बताया वीडियो के में कि भाई यहाँ पर आपको टैंक मिल जाएगा, पुराना मिलता है बेसिकली। जो जितने भी टैंक मिलेंगे ना वो सारे के सारे रिपेंटेड होते हैं, बहुत कम चांस होता है कि आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाए। ओरिजिनल मिलेगा तो भाई स्क्रैच से स्क्रैचेस वगैरह मिलेगा आपको लगी हुई उसमें, मतलब को स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलेगी उस टैंक में। और बाकी जितना भी प्लास्टिक होता है, मतलब अगर बात करें R15 KTM वगैरह, तो देखो इनकी ना प्लास्टिक जो है R15 के कुछ पार्ट जो है V2 जो V2 है और V3 है, इनके कुछ पार्ट जो है वो आते हैं लोकल यानी कि सप्लाई वाले, और बाकी पार्ट जो है वो ओरिजिनल ही आते हैं। तो मतलब खाली यामा की बात कर रहा हूँ, बात करें KTM हो गई और एक आध ब्रांड ऐसे हैं उनके जो है ना भाई साहब ओरिजिनल ही आते हैं, तो वो ओरिजिनल मिलेंगे आपको, बट वो रीपेंट होकर के स्टिकर लगा के उसमें वो ओरिजिनल कर दिया जाता है ठीक है। तो वो मिल जाएगा। बाकी जितनी भी टैंक आप यहाँ से ख़रीदते हो ना सारी की सारी रीपेंटेड होती हैं। और बाकी तो ये जब ले रहे हो तो सबसे मेन ही होता है टैंक का, एक तो डेंट वेंट देख लो कि ओके है कि नहीं, दूसरा जो है उसके अंदर जो उसका टैंक का जो कैप होता है गैस कैप जिसे बोलते हैं, वो खोलोगे जब या तो खुला हुआ मिलता है वो नॉर्मली, तो अंदर झांक के देख लेना अच्छे से कि रस्टिंग वगैरह तो नहीं हो रखी है। रस्टिंग होगी तो वो टैंक बिल्कुल मत खरीदना। बाकी जब भी ले तो लीकेज वगैरह के लिए बोल के लेना कि भाई लीकेज होगा तो मैं चेंज करूँगा ठीक है, ये हो गया। और बाकी प्लास्टिक जितना भी लेते हो, चाहे वो स्प्लेंडर की बॉडी हो किसी की बॉडी हो, सारी सारी लोकल मिलती है आपको, मतलब सप्लाई वाली आती है। सप्लाई में भी देखो अच्छी क्वालिटी भी होती है बट होती लोकल ही है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी बार्गेनिंग आपके ऊपर है, करना कैसे है कैसे नहीं। बाकी यहाँ का जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो सिर्फ गोकुलपुरी मेट्रो का ही लगने वाला है, और ये वजीराबाद वाला रोड रहने वाला है गेस। मतलब अगर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मार्केट के इस अंदर, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल के राइट चला जाऊँगा तो सिग्नेचर ब्रिज निकलेगा रास्ता, मतलब भजनपुरा और सिग्नेचर ब्रिज ठीक है। और इधर चला जाऊँगा तो ये शायद मेरे ख्याल से लोनी जा रहा है, पता नहीं शायद ठीक है। तो बस ये था अपडेट देनी थी आपको, बाकी चलते हैं यहाँ से घर। और यहाँ तक वीडियो देख ली तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लगी ये वीडियो। और बाकी घर जा रहे हैं अब तो बस कुछ है नहीं खास, तो चलो ठीक है, बाय बाय टाटा यार बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। क्योंकि यार देखो ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं, मैंने ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि शूट करूंगा तो पक्का कोई ना कोई पहचान लेगा, और पहचान लिया ना जहाँ पे तो फिर वही है यार, भाईचारा ये वो, अरे दानिश भाई ये वो, समझ रहे हो ना तुम, होता है यार भाई। देखो दुकानदार चाहेगा उसी सेल जो है बूस्ट हो जाए, और मेरे को भाई गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करनी है, तो चीज़ अच्छी भी है गलत भी है। क्या होता है कि इंसान जब काम कर रहा होता है ना अच्छा, और फिर जब कस्टमर का आउटपुट अच्छा मिलने लगता है, सेल अच्छी मिलने लगती है, तो उसके मन में ना देखो इंसान है यार, देखो मैं आप हम सब जो है ना, जब ज़्यादा मिलने लगता है ना तो थोड़ा सा ना कमी ना बनती अपने दिमाग में आ जाती है कि भाई इतना बचा रहा है थोड़ा और बचाऊं। जब क्या होता है कि एक भूख होती है इंसान की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और सबसे मेन ये है कि भाई आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कल मैं 20,000 कमाऊँ, तो लागत जो है
कम कर दूं, इनकम ज़्यादा कर दूं, दिमाग में आती चीज़ें, तो वो सब चीज़ें, तो उसमें क्या होता है कस्टमर ख़राब होता है। कस्टमर किसके वजह जा रहा है, आप किस वजह से जा रहे हो, आप मेरे वजह से जा रहे हो क्योंकि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो चीज़ें, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे ट्रस्ट पर वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर आपका कुछ फ्रॉड हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप मुझे कोसोगे, तो मुझे कोसना मैं चाहूँगा नहीं कि आप मुझे कोसो, तो इसलिए भाई मैं वीडियो नहीं बनाता है आगे अभी भी ये लो वालो। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक बंदे ने मुझे बोल दिया था कि दानिश भाई ये लो आगे पुन्ना भाई बंद अंदर आओ। वो लड़का कैसे बोल रहा था कि भाई हमारी वीडियो बनाओ अभी से बनाओ है, और ना उससे बोल रहा अपना चार्ज बताओ भाई क्या चार्ज करोगे आप। मैंने बोला मुझे बनानी नहीं, साफ मना करा, तो वो चीज़ है। चलो ठीक है।